हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 02 का जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अभी रात के 1:45 हो रहा है। किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर, आपने जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करवा रखा है, सो प्लीज़ सॉल्व करवा दीजिए, क्या पता कल के एग्ज़ाम में जून 2022 के क्वेश्चन पेपर में से ही कोई क्वेश्चन बनकर आ जाए। तो चलिए, आज के इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जून 2022 के अंदर में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रखा था, किस तरह के क्वेश्चन थे, उनके आंसर कैसे बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कल 6 जून है और आपका MHI 02 का एग्ज़ाम है। अगर हम अपने बुक के बारे में बात करें तो हमारे बुक का नाम है मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, जिसके अंदर में हम बात करते हैं कि किस तरह से विश्व के अंदर में नई परिस्थितियां बनी, किस तरह का एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां रही विश्व के अंदर में, किस तरह के नए विचारधाराएं आए विश्व के अंदर में, इस तरह के टॉपिक्स इस बुक के अंदर में पढ़ने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा अगर हम अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में जाने तो 3 घंटे का टाइम मिलता है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, टोटल 5 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं बोलता हूँ और आपको हमेशा याद रखना है, क्या कि आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे उसका एक पर्टिकुलर एक वर्ड लिमिट है, 500 वर्ड के अंदर में ही आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर का इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए हम अपने क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रखे थे। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि रोमांटिक चिंतक जो थे, ठीक है, विचारक थे, उनका मूलभूत तर्क किस प्रकार का था, उनके मूलभूत तर्कों का विश्लेषण करना है हमें, और उनके ज्ञान और विचारकों के दृष्टिकोण को किस प्रकार से उन्होंने चुनौती दी उसके बारे में बात करना है। अब देखो, जब हम बात करते हैं रोमांटिक चिंतकों का, ज्ञानोदय की बात करते हैं, पुनः जागरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक सीक्वेंस के साथ में सारी चीज़ें होती हैं। समाज के अंदर में सबसे पहले क्या आता है, पुनः जागरण। पुनः जागरण मतलब क्या, जहाँ पर लोगों को चिंतन मिलता है कि ये चीज़ें ऐसी थी, ये चीज़ें ऐसी थी, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी, मतलब जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, चिंतन मिलता है उन्हें, तो उसे हम कहते हैं पुनः जागरण। जहाँ पर लोगों की जन जागृति आती है, मतलब दोबारा से वो जगते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे मिलते, मतलब चेतना का आभास होना, उसको हम पुनः जागरण कहते हैं। ज्ञान उदय को हम प्रबोधन भी कहते हैं, ठीक है, विवेक का युग भी बोलते हैं, जहां पे लोगों को ज्ञान मिलता है, जहां पे लोगों को समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो अंधविश्वास में समझ फर्क कर पाते हैं कि कहां पर क्या चीजें कमियां हैं, कुरीतियां कहां पर हैं, वो चीजें वहां पर डिफाइन कर पाते हैं। वहां पर ज्ञानोदय के अंदर में वो आधुनिकीकरण को समझ पाते हैं, तकनीक को समझ पाते हैं, विज्ञान को समझ पाते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञानोदय से पहले का जो समाज था, वहां पर विज्ञान को नकारा जा रहा था, साइंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तकनीक को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, पर ज्ञान उदय के साथ में तकनीक को एक्सेप्ट किया गया, विज्ञान को एक्सेप्ट किया गया और उसके साथ में आगे बढ़ने की बात की गई। वहीं पर रोमांटिक चिंतक जो आते हैं, कई सारे विचारक आते हैं जो रोमांटिक चिंतकों के तौर पर जाने गए, जिनका यह कहना था कि ज्ञान उदय के जो दार्शनिक थे, वो भले ही बंधनों को, धर्म के जो बंधन थे ना, जो धर्म ने बांध रखा था लोगों को कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो जो ईसा मसीह है बुरा मान जाएंगे, ये करोगे तो ये बुरा मान जाएंगे, तो उसका बंधन तो तोड़ देता है, पर उसके बदले में लोगों को क्या करनी चाहिए उसकी एक निश्चित व्याख्या नहीं देता है, ठीक है, निश्चित व्याख्या उत्पन्न नहीं करता है कि क्या चीज होना चाहिए, इसके ऑप्शंस क्या थे वो नहीं बताता है। कहता है प्राचीन नैतिकता को बदल तो देता है, पर उसके जगह पे निश्चित नैतिकता की स्थापना नहीं कर पाता है, मतलब जो चीजें शुरू से चलती आ रही थी उसको चेंज तो करता है, पर उसकी जगह पर क्या चीज चलेगी, किस तरह से चलेगा, वो यहां पर नहीं बताता है। ये एक यहां पर फॉल्ट के तौर पर दिखाता है। औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक आविष्कार, इन सब चीजों के बारे में बात करता है कि किस तरह से बदलना चाहिए, ये बात करता है, पर नए स्थायी और लाभकारी परिवेश की स्थापना नहीं कर पाता है। जो स्थायी परिवेश मतलब क्या, जो फिक्स एक इन्वायरमेंट बने, उस तरह के परिवेश की स्थापना नहीं कर पाता। ये रोमांटिक चिंतकों का यहाँ पे चुनौती थी ज्ञानोदय के विचारकों का, ठीक है, यहाँ पे इस तरह की चीजें हम बात करते हैं। कई सारे बुद्धिजीवियों की बात करते हैं वो, कि किस तरह के बुद्धिजीवी आए, क्या उन्होंने बोला, ठीक है, कहाँ पर उनके फॉल्ट थे, कहाँ पर कमियाँ छोड़कर चले गए, इसके बारे में वो बोलते हैं, ठीक है, समझ में आता है। अगर आप रोमांटिक चिंतकों के अंदर में बात करो कि किन की विचारधारा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी रोमांटिक चिंतक आते हैं वो सत्य, ज्ञानोदय के अंदर में जो भी था, सत्य, विज्ञान, विवेक, तर्क, प्रगति, उनकी अवधारणा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनौती देते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं। रूसो जैसे जो विचारक थे, हॉब्स जैसे जो विचारक थे, उनको डायरेक्टली वो चैलेंज करते हैं और उनके जो आइडियोलॉजीज थे उनको, उनके बारे में वो तोड़, मतलब एक तरह से उनको काटते हैं, उनके आइडियोलॉजीज को टक्कर देते हैं, यहाँ पर ये बोला जा सकता है,
ठीक है, समझ में आता है रोमांटिक चिंतक क्या थे। रोमांटिक चिंतक ये बोले कि ज्ञानोदय का आपने एक ऑप्शन तो बताया कि यहाँ पे ये चीज़ें कमी है, यहाँ पर वो फॉल्ट है, पर उसकी जगह पे एक ऐसा स्थायी मार्ग आप नहीं बता पाया कि उसकी जगह पे लोगों को करना क्या है। ये रोमांटिक चिंतकों का मूल आधार था इनके डिबेट का, ये माना जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं राज्य की उदारवादी अवधारणा क्या है। अब देखो राज्य की एक उदारवादी अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले ना इटली के मैकियावेली, फ्रांस के जीना बोधा और इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स जैसे विचारकों ने राज्य के ऊपर में गंभीर विचार रखे। ठीक है, राज्य होता क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कैसे हमारे सामने आया। ठीक है, राज्य है क्या, राज्य की भूमिका क्या है, किस तरह से हम इसकी रक्षा करते हैं, राज्य हमारी किस तरह से रक्षा करता है, नियम हिसाब किस तरह से बनता है, मतलब हर चीज़ का जो क्वेश्चन के आंसर थे उन्होंने इसके ऊपर में गंभीर मुद्दे के तौर पर विचार रखा कि किस तरह से क्या चीज़ होना चाहिए राज्य के रिकॉर्डिंग में। अगर हम थॉमस हॉब्स के विचार देखते हैं तो कहते हैं कि राज्य संबंधित सभी समस्याओं को व्यापक रूप से व्याख्या प्रस्तुत की गई थॉमस हॉब्स के द्वारा, जिसमें वो अपने युगों के महान चिंतक के तौर पे जाने गए। थॉमस हॉब्स का मानना था कि राज्य की प्रकृति सर्वसत्तावादी की है, ठीक है, सर्वसत्तावादी की थी, परंतु उदारवादी भावनाओं का जन्म हो चुका था जिसके कारण से यह युग निरंकुशवाद बनाम उदारवाद बनता चला जाता है। ठीक है, जहां पे उदारवाद का जन्म होता है निरंकुशवाद बनाम उदारवाद बनता चला जाता है। राज्य सभी तरह की समस्याओं का निदान करता है, विवाह, शिक्षा, उद्योग, पेशा आदि का हस्तक्षेप करता है, राज्य इन सब चीज़ों के अंदर में इंटरफेयर करता है। इससे व्यक्तियों की गरिमा प्रभावित होती है। धीरे धीरे उदारवाद यह विचार फैलाया कि राज्य कहाँ तक मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब जो उदारवादी की जो विचारधारा थी वो ये बताने की कोशिश करती है राज्य कहाँ तक इंटरफेयर करता है दूसरों के जीवन के अंदर में, मनुष्य के जीवन के अंदर में, इसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, ये उदारवादी राज्य की अवधारणा रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, मतलब राज्य है क्या, राज्य कहते किस तरीके से है, मनुष्य का एक स्थायी जीवन को व्यतीत करने की और कृषि कार्य करने के हस्तक्षेप में, मतलब किस तरह से मनुष्य एक जगह पे जीवित मतलब जीवन व्यतीत कर रहा है, क्या रूल है, किस तरह से रेगुलेशन है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या कानून है, वो सारा कुछ यहाँ पर राज्य के अंतर्गत आ जाता है और वही उसी को हम राज्य की उदारवादी अवधारणा के तौर पर देखते हैं। ठीक है, जैसे मतलब पूरा एक राज्य का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से राज्य बनता है, क्या चीज़ है, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नॉर्मली अगर आप बात करो, ये तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ के अंदर में इसके अंदर में जो भी इतिहासकार के नाम लोगे, जैसे आप मैकियावेली, इटली का जो मैकियावेली थे उनकी बात करो, फ्रांस के जीनो बोधा की बात करो, इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स की बात करो, ये सभी विचारकों को आप अलग अलग डिफाइन करके लिखोगे कि राज्य की उदारवादी अवधारणा में वहाँ पे क्या बोलते हैं, उनका क्या आइडियोलॉजी था, तब आपका आंसर जो है बहुत अच्छा बन जाएगा और अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। सेकेंड बुक के अंदर में ही आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। जनतंत्र की समकालीन चुनौतियों का विवेचना कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर जब 2022 के अंदर में ये क्वेश्चन आ रखा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ रखा था क्वेश्चन को। इसका रीज़न ये था कि जनतंत्र वो समझ नहीं पाए। जब हम जनतंत्र की बात करते हैं तो आपके बुक में जो क्वेश्चन बना हुआ था उसके अंदर में लोकतंत्र की बात की गई थी। तो लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोक मतलब क्या, लोक मतलब लोगों का, जनता, जो आम जनता है ना, मैं, आप, भाई, बहन, जो भी आम जनता है ना, आपके अली गली, पड़ोसी पड़ोसी जो भी है, उसको हम लोग बोलते हैं कि लोग। तंत्र मतलब क्या, व्यवस्था, किस प्रकार की व्यवस्था है। उसी तरह जन मतलब क्या होता है कि जन, जन आंदोलन करेंगे, जन मतलब क्या, लोग, आम जनता, लोग। तंत्र मतलब व्यवस्था, तो मतलब क्या, आम जनता की व्यवस्था। लोग मतलब क्या, आम जनता। तंत्र, तंत्र मतलब क्या, एक व्यवस्था, तो आम जनता की व्यवस्था। तो यहाँ पे दोनों का मतलब एक है। आपके बुक के अंदर में जो क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे लोकतंत्र की समकालीन चुनौतियों के बारे में बात करता है, पर जबकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जो क्वेश्चन बनकर आया वो जनतंत्र की समकालीन चुनौतियों के बारे में बात करता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर MHI के मतलब MHST के सॉल्व करवा रखे हैं और हर क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में हर बार मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल, आप बहुत अच्छे से रट रखे हो, एकदम पूरा घोल के ना उसको पी गए हो, जूस बनाकर सेक बनाकर पी गए हो उस चैप्टर को, बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछ सकता है, कैसे घुमाकर पूछेगा, वो आपकी प्रैक्टिस नहीं रहती है, तो आप आंसर लिखकर नहीं आ सकते। तो उसके लिए बेटर क्या रहता है कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हो, कितना ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, वो आपको इम्प्रूव करता है और वो आपको मतलब एक देता है कि हाँ आप इस आंसर को अच्छी तरीके से लिख सकते हो। अब देखो जन लोकतंत्र आपको पता है, जनतंत्र पता है, मतलब लोकतंत्र जनतंत्र सेम है। ठीक है, समकालीन चुनौतियाँ किस प्रकार की थी, तो यहाँ पे चार तरह की चुनौतियों के बारे में हम बात करते हैं मेनली। एक पहला था विकास। विकास मतलब क्या, समकालीन विकास हो, सभी का विकास हो, सामंतवादी विकास हो, समानता का विकास हो, मतलब क्या,
एक साथ एक लोकतंत्र के अंदर में सभी का समान विकास हो उसके ऊपर जोर दिया गया कि किस तरह से स्टेबिलिटी विकास किया जा सकता है। दूसरा आता है विविधता। अब देखो लोकतंत्र के अंदर में क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं, कोई हिंदू है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई सिख है, ठीक है, कोई मुस्लिम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ गवार है, मतलब अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो ये सभी विभिन्नताओं को साथ में लेकर कैसे चलेगा वो आगे, कैसे मिक्स वेजिटेबल बनेगा। देखो मिक्स वेजिटेबल के अंदर में क्या होता है ना, हर तरह की वेजिटेबल्स डाली जाती हैं, जो मिक्स वेज सब्जी बनती है उसके अंदर में हर तरह की सब्जी चीज़ें डाली जाती है, पर मसालों का काम होता है और उसके बनाने वाले जो हलवाई है उसका काम होता है कि कैसे सबको साथ में लेकर एक अच्छा टेस्ट लेकर आएगा। कई बार ज़्यादा चीज़ें डालने पर भी टेस्ट खराब कर देता है। तो वहाँ पर लोकतंत्र की काम क्या करता है कि डाइवर्सिटी, विविधता है ना, विविधता में विविधता को देखना, मतलब डाइवर्सिटी को देखना, उसको फाइंड आउट करना और किस तरह से उसको एक साथ लेकर चलना, सभी चीज को, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई हाथी है, कोई बड़ा है, जो भी मतलब व्हाटसोएवर है ना, जानवर, हिंदू, सब सबको लेकर चलना, वो विविधता की बात करता है। तो ये भी एक चुनौती है सबके उसके सामने उभर कर आती है। जेंडर की बात करते हैं, जैसे अब कोई स्त्रीलिंग कोई पुल्लिंग, तो सबका अधिकार किस तरह से समान सभी लोगों को मिले, जो भी उसके राइट्स हैं उसके बारे में बात करता है कि किस तरह लोगों तक पहुंचे, तो वहां पर उद्योगीकरण उनके सामने जेंडर की भी चुनौती रहती है। चौथा यहाँ पे क्या रहता है, भूमंडलीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। भूमंडलीकरण मतलब क्या, आज के समय में समाज का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। पहले जो समाज था वो अलग था, आज के समय में जो समाज है वो अलग है, आज पूरी तरह से सोशल मीडिया का समाज है। एलन मस्क क्या कर रहे हैं वो हमें घर दिल्ली में बैठे बैठे पता चल रहा है, मैं अपने रूम में बैठा हूँ फिर भी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। तो किस प्रकार से जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, वो इम्पैक्ट डालता है आपके लोकतंत्र के ऊपर में, ये भी एक चुनौती के तौर पर उभर कर आता है, ठीक है, समझ में आता है। तो ये टॉपिक्स थे, ये चार टॉपिक्स के ऊपर में पूरा लोकतंत्र किस प्रकार से आपका जनतंत्र लोकतंत्र चुनौती बनती है ये आपको डिफाइन करना होता है। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में हम बात करते हैं कि समाजवादी उद्योगीकरण किस प्रकार से पूंजीवादी उद्योगीकरण के लिए भिन्न था। देखो जब हम समाजवादी उद्योगीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे रूस की क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई या 1917 की क्रांति हुई, ठीक है, खूनी क्रांति हुई, अक्टूबर की क्रांति हुई, दिसंबर की क्रांति हुई, जैसे ये सारा मतलब रूस की क्रांति के बाद जैसे एक स्थिति बनती तो वहाँ पर समाजवादी विचारधारा उत्पन्न होकर आ जाती है। और जो पूंजीवादी विचारधारा थी यूरोप के अंदर में पहले से ही प्रचलित थी, जहाँ पर एक पूंजीवादी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, पूंजी को बढ़ावा दिया जा रहा था। पूंजीवादी उद्योगीकरण के अंदर में मेन सोर्स क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है कि पैसा कमाना, अर्निंग करना, प्रॉफिट के लिए वर्क करना, प्रॉफिट के लिए जो मर्जी करना, वो मेन मोटिव होता है। पर जबकि समाजवादी उद्योगीकरण का मेन मोटिव क्या होता है, लोगों को लाभ पहुंचाना, किस तरह से हम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, किस तरह से सबका भला हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मतलब क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिस पूंजीवादी जिसके अंदर में लोग अपने स्वार्थ को देखते हैं और समाजवादी उद्योगीकरण में निस्वार्थ होकर अपने वर्क को करते, कार्य को करते, इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो। समाजवाद में निस्वार्थ मतलब वहां पर सबका भलाई हो, सबके लिए कार्य किया जा सके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट वहीं पे पूंजीवाद के अंदर में अपना भला हो, पहले अपना पेट भरे, फिर हम दूसरे का देखेंगे भरेगा कि नहीं भरेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली समझ पाओगे और इजीली कर पाओगे, ठीक है। 1917 के अंदर में रूस की क्रांति हुई थी, मैंने आज के एक वीडियो के अंदर में पूछा भी था कि रूस की क्रांति को किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में वापस से डालता हूँ, रूस की क्रांति वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़िएगा, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, ठीक है, तो कितने यूएसएसआर में से कितने कंट्री बाहर निकले, जिसका मेन उत्तराधिकारी तो रूस था, और कौन कौन से कंट्री बाहर निकले ये मुझे कमेंट करके बताइए, देखते कितने व्यूवर्स को पता है, ठीक है। और आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए, आपका टॉपिक भी रूस की क्रांति वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी पढ़िएगा तो आपको शायद आइडिया मिल जाए, देखते कितने व्यूवर्स को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टिप्पणी बेस है, जो पांचवा आप आराम से लिख सकते हो, यथार्थवाद क्या होता है, इजी टॉपिक्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी मुझे टिप्पणी वाले टॉपिक्स पसंद नहीं है क्योंकि वो टाइम वेस्ट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। अब देखो उपनिवेश मतलब क्या होता है, किसी पर, उप मतलब क्या, किसी के ऊपर, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना, वाद मतलब जो पूरा दौर रहा वो, किस प्रकार से किसी के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया, उपनिवेश बनाया अपना, अपना उसको गुलाम बनाया, उसके बारे में बात करते हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है अर्निंग, पैसा कमाना, ठीक है, ये इसका मेन मोटिव होता है।
पैसे के लिए वर्क करना है, ये इसका मेन मोटिव होता है। पर जब हम वहीं पर बात करते हैं साम्राज्यवाद का, तो साम्राज्यवाद का मेन मोटिव क्या होता है कि अपने सीमा का विस्तार करना, जो उसकी सीमा है, जो राज्य की उसकी बाउंड्री है, ठीक है, उसकी जो लाइन है उसको विस्तार करना इसका मेन मोटिव रहता है। पर उपनिवेशवाद के अंदर में पैसा कमाना मोटिव रहता है मेन इसका, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखोगे अलग अलग इतिहासकारों का भी बात करते हैं, आंद्रे गुटर फ्रैंक की बात करते हैं, समीर अमीन की बात करते हैं, ठीक है, बेलेस्टाइन की बात करते हैं, एडवर्ड सईद की बात करते हैं, एनो फ्रेंको की बात करते हैं, अमिलकार काबल की बात करते हैं। तो कई सारे इतिहासकार आते हैं जो उपनिवेशवाद के बारे में टिप्पणी रखते हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों को बताते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें उनकी मानना था, ये समझ में आता है, ठीक है, समझ में आता है। वाला क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्वेश्चन के अंदर में सिर्फ आपको ये बताना है कि उपनिवेशवाद होता है क्या है, और अलग अलग इतिहासकारों का जो मैंने नाम लिया उनके बारे में बताना है कि उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी उपनिवेशवाद को लेकर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बुक के अंदर में ज़्यादा बड़ा दे नहीं रखा, और नॉर्मली ये आपको कल्पना करके एक आज के समय के हिसाब से एक चिंतनशील स्टूडेंट के तौर पर, आप एमए के स्टूडेंट हो, चिंतनशील स्टूडेंट के तौर पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नाभिकीय शस्त्रों की होड़ और इसके नियंत्रण करने के प्रयत्न पर एक टिप्पणी लिखिए। देखो जब हम बात करते हैं नाभिकीय शस्त्र, मतलब क्या परमाणु हथियारों की बात करते हैं। भारत ने जब पहली बार परमाणु हथियार पाया तो उसने एक NFU पर हस्ताक्षर किया, मतलब हस्ताक्षर क्या किया, ये सबके सामने रखा। इसका मतलब क्या था, नो फर्स्ट यूज़ करके इसका मतलब बना कि कभी भी हम परमाणु जो हथियार है ना, पहले कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जब भारत ने परमाणु बम बनाया तो सभी दुनिया के सामने, जैसे भारत को दबाव बनाया जा रहा था कि भारत ने क्यों बना लिया, तो भारत ने NFU को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब ये था कि कभी भी हम पहले हमला नहीं करेंगे, ये उन्होंने बोला, ठीक है। 2003 के अंदर में परमाणु नीतियाँ अपनाई गई थी, जिसके बाद ये नो फर्स्ट यूज़ का इन्होंने अब सबके सामने रखा था। ये जो नो फर्स्ट यूज़ का था पोखरण के अंदर में जो परीक्षण किया गया, उसके बाद सफल होने के बाद ये सारा नीति रहा, ठीक है। उसके बाद में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे प्रस्ताव मिलते हैं, बाकी कंट्री को भी मिलते हैं, जहाँ पे परमाणु को रोकने के लिए, परमाणु के प्रसार को कम करने के लिए, होड़ को कम करने के लिए कई तरह के नियंत्रण के सुझाव सुझाए जाते हैं। जैसे में परमाणु अप्रसार संधि जिस आ जाता है, परमाणु अप्रसार संधि, जिसको NPT बोलते हैं, ठीक है, NPT परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रॉफिटेबल ऐसा कुछ करके इसका फुल फॉर्म होता है। NPT फुल फॉर्म क्या है ये भी बताइए कमेंट करके, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है इसका फुल फॉर्म। तो NPT जैसे जो हस्ताक्षर थे, संधि थे, उसके ऊपर जो जोर दिया गया कि आप इस पर हस्ताक्षर कर लीजिए, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। और भी कई तरह के ट्रीटी थे, जिसमें CTBT करके परमाणु व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, इस तरह करके कई सारे प्रतिबंधित जो संधियां थी, जो एक तरह से मतलब जो जबरदस्ती साइन करने के लिए बोला जाता सभी कंट्रियों को कि आप इस पे साइन कीजिए, जिसके बाद आप परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते, परमाणु हथियार नहीं बना सकते, ठीक है, उसके ऊपर आपकी तुरंत पाबंदी लग जाएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है, इस तरह से नियंत्रित करने की उसको कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं कि आधुनिक राजनीतिक और सांस्कृतिक पर फ्रांसीसी क्रांति का विरासत बताइए। अब देखो जब हम आधुनिक राजनीतिक और सांस्कृतिक की बात करते हैं, वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने ही हमें सिखाया कि व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, किस तरह के राइट्स होते हैं, किस तरह से क्रांति की जाती है, क्रांति की शुरुआत कैसी हुई, क्रांति का मेन मोटिव क्या है, वे ऑफ क्रांति क्या हो सकता है, वे ऑफ मूवमेंट क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें का ज्ञान हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति के अंदर में जिस प्रकार से अधिकारों की मांग की गई, ठीक है, सबसे पहली बार देखा गया कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आधार पर क्रांति का जोर दिया गया, और इतनी बड़ी मात्रा में जोर, मतलब पूरी इतनी बड़ी विशालकाय क्रांति वो कर पाते हैं, फ्रांसीसी क्रांति जिसको नाम से जाना गया। तो यहाँ पे हमें उसके आधार पर ही हमें पता चल पाया कि कौन कौन से राइट्स होते हैं, किस तरह के राइट्स की मांग की गई लोगों के द्वारा, वहाँ से आगे खुलती हैं और विश्व भर में अलग अलग तरह की क्रांति होती है। तो सबसे पहली क्रांति के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति को देखा जाता है, जहाँ पर अधिकारों की मांग की जाती है, जहाँ पर समानता, स्वतंत्रता की मांग की जाती है, कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग फ्री हैं, ठीक है, इसकी मांग की जाती है। तो यहाँ पर आप इजीली राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर फ्रांसीसी क्रांति को बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके MHI 01 के अंदर में भी आ रखा था, ठीक है, और सुबह मैंने MHI 02 का एक क्वेश्चन पर करवाया था, उसके अंदर में भी ये वाला क्वेश्चन था। तो जनसंख्या वाला जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अभी भारत नंबर 1 पे पॉपुलेशन के मामले में, और आज जो MHI 01 का पेपर था ना, उसके अंदर में भी आ रखा था। तो जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पे है, तो वहाँ पे नए नए आइडियोलॉजीज क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं,
है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जनसंख्या परिवर्तन होता कैसे है? अगर मान लो किसी देश का जो तकनीक है विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, अच्छे तरीके से मिल रहा है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपने आप हाई होता जा रहा है, ठीक है, तो उसके कारण से क्या होगा कि जो जनसंख्या परिवर्तन है वो देखने के लिए मिलेगा, जो बच्चों का मतलब जो पैदाइशी दर है बच्चों की वो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा। बट वहीं पर बीमारी फैल गया, कोई प्लेग महामारी किसी तरह की, एड्स से जाएगी, कोई भी बीमारी फैल गई, तो उसके बाद में क्या होगा कि जनसंख्या परिवर्तन दोबारा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर वो नीचे की ओर डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है जनसंख्या परिवर्तन के अंदर में। तो किस प्रकार के सिद्धांत है, क्या लोगों का आइडियोलॉजी है, क्या मानते हैं, किस प्रकार के इतिहासकारों ने क्या बोला, ठीक है, जनसंख्या की परिवर्तन किस प्रकार से वर्क करता है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये नॉर्मल सिंपल सा ही रह जाता है। 10वां क्वेश्चन आपका टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन, एक ध्रुवीयता क्या होता है, जहाँ पर अमेरिका का दौर रहा जब एक सिंगल एक पावर बचा पूरे विश्व के अंदर में, तो उसको हम एक ध्रुवीयता कहते हैं। तो इस तरह करके छोटे छोटे टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं, और यहाँ पे वीडियो एंड होता है। जो जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है आपके MHI 02 का, तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आए होगा, और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने वीडियो के अंदर में क्वेश्चंस पुटअप किए हैं आप उनका आंसर दोगे और मज़े लेंगे एक दूसरे से, क्योंकि आंसर जब आप देते हो तो मुझे लग रहा होता है कि आप एक्टिव हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, मुझे भी मज़ा आ रहा होता है, मैं भी उस पर मेहनत कर पाता हूँ। तो आप आंसर जरूर दीजिएगा अगर आपको आंसर पता है, तो नहीं पता है तो गूगल कीजिए, क्या पता आपके नॉलेज को बढ़ने में मदद मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।